हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब आशा करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी सुबह का 6 बज रहा है, सारा काम धाम हो गया है और अभी दाल चावल बैठाए हुए हैं और दाल चावल भरता बनेगा। एक्चुअली दिखाते हैं आप सब, आशा करती हूँ बने रहिएगा। प्यारा प्यारा कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्यारा सा ब्लॉग को कंटिन्यू करते। मैं अपना ना ये नेकलेस देखने लगी थी और गले पर से हमने मतलब कि सोचे हैं नहाने के लिए, आज बाल नहीं धोएंगे, कल ही धोए थे तो आज लेट हो गया थोड़ा सा, तो खाना वाना बना के फिर नहाएंगे उसके बाद। तो चलिए पहले मैं खाना बना लूँ क्योंकि काम पर भी जाना होता है, बच्चे भी हैं इसी वजह से, तो फटाक से बना लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर कहीं निकलना भी है तो चलिए बने रहे, बहुत मज़ा आएगा। माचिस ख़त्म हो गया इसलिए लाइटर मांग के बाहर से लाएंगे। अभी मानसी के पापा सोए हुए हैं इधर पतीले में, मतलब इसमें चावल बैठाए हुए हैं, पतीला से बाहर काम हो रहा है और ये दाल इसको मतलब भिगोए नहीं थे तो वो कैसे बैठा दिए हैं। तो अभी थोड़ा खाना बन गया है दाल चावल और मम्मी इधर नहीं है, थाम थाम बाहर में देखिए क्या कर रही हैं। और अभी मम्मी गेहूँ कूट रही है, उनको कूटना आता ही नहीं तो कूटवा देते, हमको कूटना ही नहीं आता है बहुत, बस दाल बनने वाला है, चावल बनने में टाइम लगता है थोड़ा क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा सा दूर है साइड में रख देते, आधा गिलास दूर है। आज का चावल लग रहा है ना दोस्तों ख़राब हो गया है मेरा, इस पतीले में अंदाजे नहीं मिला, उसमें बनाते हम उस वाले पतीले में जो एकदम बराबर आता है उसमें एकदम केला जैसे इतना सारा भरता बनाएंगे। सामान रेडी कर लिया है, दिखा रहे हैं इसमें का बिया पूरा पक गया था, ये सब मसाला फ्राई को उसको बॉईल करेंगे, फिर फ्राई करके इसको मसाला में भूजेंगे, भात बनाने के चक्कर में है पहला। देखिए मैं ना वो क्या कहते हैं मसाला भून रही हूँ सारी चीज़ें, जितना था उतना सारा, और पता नहीं इतना सारा है हटेगा कि नहीं, इसको भी निकाल देते इसका पानी द्वारे भरेंगे। और मानसी के लिए दूध रखें, इसको साइड में कर देते हैं, दूध चावल होंगे और एक पार्सल भी आया है तो अभी ओपन करके दिखाऊंगी। मानसी के लिए मंगवाई थी मैं कुछ, तो कल मानसी के पापा गए थे ना तो लेके आए थे उधर से, तो इसको सारा निकाल दिए। अब चलिए इसको ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। आओ ना बेटा थोड़ा बिट बनाओ, आप खाओ पकड़िए तो जा। और मैं इसको अब करूँगी अनबॉक्स, जाओ आप खाओ। चाकू भी नहीं है तो इससे खा रही हूँ, चाकू यहाँ पर कुछ सड़ाक से काट देते, चलिए निकाल लेते इस बार, कट कर लेते तो बंद करो। क्या इसको बेटा जी अनबॉक्सिंग करेगी, करो बेटा अनबॉक्सिंग। और देख सकते ये मानसिक हूँ सके कर रही है, हाँ करो तो जरा ऊपर दिखाओ दोस्तों को भी, उसको निकाल दीजिए वैसे भी, बाप वो खुश हो गई है। हाँ ये कैसे जूम हो गया, दो मैं निकाल लू, ये रहा एक ही है, एक ही तो है, दीजिए तो मैं निकालू। वाह वाह कितना अच्छा है ना, हाँ खड़े हो जाओ तो इधर, अरे मैं थोड़ा अंदर अच्छे से वीडियो बनाते हैं, चलो जानो मत, ठीक है ये नेकलेस है, किसी भी ड्रेस पर पहन लेना, ये ब्रेसलेट ब्रेसलेट हो गया, ये रबड़ वाला है, रुकिए निकालते हैं, देख आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक और भी सुंदर लग रहा है आपको। हाँ। और ये पहनो तो जरा, वाह आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है। मम्मा बात सुनो, बोलो बात। हम लोग ना बीच पे चलेंगे तो ये पहन लो, हाँ बीच पे चलना तो ये पहन लेना। हाँ। अरे मेरे लिए तो खुल रहा है। हाँ चलो रख देते हैं, ठीक न्यू ड्रेस पहनना शादी में तो पहनना। हाँ। तो रख दो, आप लोग कमेंट बताइए कैसे। फ्रेंड अभी देख सकते हैं माचिस खत्म हो गया है तो बस ऐसे ही सजा कर रखे, माचिस आएगा फिर इसको फ्राई करेंगे, भर दिए सारा। और पता ना मन कैसे उदास उदास जैसा हो रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मन कर रहा है घर पर जाए कि क्या करे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
तो चलिए देखते हैं माचिस का, भेजे हैं बाबू लोग को पता करने के लिए, मिल जाता है तो ट्राई करेंगे, नहीं मिलेगा पता ना कैसे हवा से बंद हो गया था, हवा चल रही थी बस। मानसी बेटा को दिखा रहे हैं, देखिए मानसी बेटा खा रही है ना बेटा, गर्म है, आराम आराम से फूक फूक के खा लीजिए, खाना बंद। तो फ्रेंड मैं हो चुकी हूँ रेडी, और सिंदूर और बिंदी बस करना है, इयर रिंग पहनना है, और ये वाला साड़ी हमने आज पहना हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये वाला साड़ी कैसा लग रहा है, और सुना सुना लग रहा है मेरा सिंदूर बिंदी भी ना, और बाल तो पता ना कौन सा डिजाइन है। और बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है और बारिश जैसा भी बीच बीच में हो गया है मौसम, और बस हल्का सा मेकअप कर लिए है, कुछ कुछ लगा लिए हैं, अच्छा लगता है वीडियो वीडियो रील्स बनाते हैं तो इसी वजह से। और लिपस्टिक पता ना हमको आज तक लगाना ही नहीं पड़ता इतना अच्छे से, और घर में दोपहर में तो आप लोग समझ सकते गर्मी क्योंकि सब लोग सो जाते हैं, और इसमें सब सुबह सोई हुई है, और अभी देखते हैं कब तक निकलेंगे। मानसिक पापा वीडियो एडिट करें, 1 बज गया आज हमारा ब्लॉग नहीं गया मेंशन होकर अभी तक तो। हाँ अच्छा, रात में मैं ढंग से नहीं सोती और सुबह सुबह ही उठ गई। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ससुराल में अचानक से कैसे आ गई। तो दोस्तों हम लोग रात को 11:30 हम लोग यहाँ आए थे, रीजन ये है कि बताते आप सबको, और आते आते ना दोस्तों मैं घर में का सारा काम की थी, नहा धोवा के बहुत ज़्यादा नहाई थी, फिर पूरा ऐसे करके नहाई थी, और सुबह का अभी 7 बज रहा, और नहा धोवा के कपड़ा थोड़ा सा था उसको मैंने धो दिया, गाड़ी अभी यहीं पर लगा हुआ है, रात में आए थे ना तो 12:01 था, तो गाड़ी यहीं मैंने सुबह पर लगा दी, वहाँ पर नहीं लेके गए। और उधर दिखा दे तो बड़े पापा बैठे हुए हैं न्यू घर में, और मानसिक पापा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और चलिए मैं फटाफट कपड़े को डालूँ, घर पर आके बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिल रहा है, एक होता है ना अपना घर ही होता है, तो बहुत अच्छा मिल रहा है, एकदम लग रहा है कि मैं खुला हूँ, कुछ भी करूँ, एकदम किसी चीज़ का डर नहीं, कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले ये कपड़े को डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आप सबको क्या रीज़न थी हम लोग वहाँ से चले आए थे। मानसी बेटा घर कैसे आ गई? घर कैसे आ गई? अपने लेके आई थी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब तो दादी घर थी, मैं लेके आ गई है ना, आपका झूला वेट कर रहा है। क्या करने के? सोच रहा है कब आएगी मानसी की खेलेगी। मेरी प्यारी बेटी क्या खाएगी, क्या बनाऊ खाने में? आलू चावल? चलो ब्रश करा दो, आजा आजा फ्रेश करा दो प्यारी बेटी को, मुंह धुला दो। अभी चलिए मानसी को मैं ब्रश करा देती हूँ, है ना प्यारी बेटी। घर तो पूरा सेट करके गए थे, आए तो अच्छा लगा, पूरा सेट ही मिला, और मुझे लानी थोड़ा बेड को ठीक कर दे। मानसी पापा, मानसी अभी उठे तो मानसी पापा बाबा के पास गए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड अभी मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्जी चावल, और इसमें मैं सोयाबीन करूँगी फ्राई, तेल डाल दी हूँ, चलिए बना लेती हूँ। देखिए सब्जी फ्राई हो चुका है, इसमें अब मसाला लहसुन हरदी और नमक मिर्चा जीरा काली मिर्च सारा चीज़ डाल देते हैं, और ग्रीन वाला टमाटर डाले हुए हैं। मानसी बेटा अभी नहा रही हूँ, चलिए मसाला सारा एड कर देती हूँ। अभी मानसी बेटा नहा धोवा के बैठी हुई है, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं ना बेटा, और अभी मानसिक पापा दिखाते हैं क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं क्योंकि सुबह से ही काम में लगे हैं। देखिए अपने से चाय बैठा रहे हैं, सुबह से बोल रहे थे खाना बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, महारानी सो रही है। अबे उठ के कहीं चाय बना रहे, चाय से हमारा इतना मतलब ये होता है कभी गर्मी में, खास करके ठंडी में तो बना लेते हैं चाय, लेकिन गर्मी में नहीं क्योंकि सुबह से ही काम में लगे हैं। देखिए अपने से चाय बैठा रहे हैं, सुबह से बोल रहे थे खाना बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, अबे उठ के कहीं चाय बना रहे, चाय से हमारा इतना मतलब ये होता है कभी गर्मी में, खास करके ठंडी में तो बना लेते हैं चाय, लेकिन गर्मी में नहीं, इतना गर्मी में।
क्योंकि सुबह से ही काम में लगे हैं। देखिए अपने से चाय बैठा रहा है, सुबह से बोल रहे थे खाना बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, महारानी सो रही है। अबे उठ के कर चाय बना, चाय से हमारा इतना मतलब ये होता है कभी कभी, गर्मी में खास करके, ठंडी में तो बना लेते तो हैं चाय, लेकिन गर्मी में नहीं। एक आध दूसरे हाथों में।